रियलमी का C15 जिसमें टच वर्क नहीं करता है दोस्तों, और आज हम इसी का रिपेयर करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फ़ोन को हमने अभी ऑन किया है और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। इसको एक बार रिवॉल्विंग भी करके देखा गया लेकिन ये काम नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। यहाँ से दो लाइन मिसिंग है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से दो लाइन मिस कर गया है और ये मिसिंग सीपीयू से है, डायरेक्टली सीपीयू से है मिसिंग। और सीपीयू निकाल के हमें सीपीयू से एक वायर निकालना पड़ेगा। वैसे ड्रिलिंग का हमारे पास सुविधा नहीं है तो हमें वायर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू एक बार रिवॉल्व किया गया है। अब कौन कौन सा लाइन मिसिंग है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो सीपीयू को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये दो लाइन है जो मिस कर गया यहाँ से। तो ये यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, ये लाइन मिसिंग है और ये लाइन मिसिंग है। ये लाइन मिसिंग है दोस्तों और ये लाइन मिसिंग है। बाकी हमारा ये चार लाइन ठीक ठाक है, ये देखिए। तो दो लाइन हमारा मिसिंग है जिसके कारण टच वर्क नहीं कर रहा है। सीपीयू को उतारेंगे, ठीक है। लाइट कट गया हमारे पास अभी जस्ट, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो बाहर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए सीपीयू को हमने दोस्तों निकाल दिया है बाहर। अब यहाँ पे हमें ट्रैक चेक करना है और ट्रैक चेक करके यहाँ पे जम्पर लगाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि बोर्ड हमने क्लीन कर दिया है। अब यहाँ से हमें जम्पर लगाना है, ठीक। बहुत ही मुश्किल जॉब है यहाँ पे दोस्तों। अब ये डन होता है कि नहीं होता है, तो ये छठा लाइन है ऊपर से चौथा नंबर, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जम्पर लगा देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ हमें लगाना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये बारीक है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको पहले हम जम्पर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दो लाइन का जम्पर हमने निकाला है दोस्तों, आप देखिए यहाँ से, ठीक है, ये दो लाइन का हमने निकाल दिया है और यही दो लाइन मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, तो ड्रिल करके भी आप कर सकते थे लेकिन ये मीडियाटेक का आईसी भी है और हमारे पास ड्रिलर भी नहीं है, तो अधिकतर केस हमने इसी तरीके से फाइनल किया है। और अभी देखते हैं ये फाइनल होता है कि नहीं। अब बस हमें सीपीयू रिवॉल्व करके आराम से इसको लगा देना है, ठीक है। अभी हमने इसको सिर्फ स्टे करने के लिए ये जो वायर है कि ताकि इधर उधर हिले ना, इसको ग्राउंड से जहाँ पे जगह मिला वहाँ पे हमने इसको स्टे कर दिया है। अब इसको थोड़ा रिवॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमने सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें लगाना है, ठीक है। हमने लगा दिया है, अब हमें यहाँ नॉर्मल पहले पेस्ट देना है दोस्तों, ताकि ये पेस्ट से इधर उधर ना हो वायर। तो अभी हम इसमें नॉर्मल हल्का सा दे देते हैं। Thank you.
चलिए दोस्तों, ये वायर हमने कनेक्ट भी कर दिया और ये सीपीयू हमने फिक्स भी कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे सही सलामत ये हमारा काम कर जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि दो जम्पर हमने बहुत ही मेहनत से बाहर कर लिया है सीपीयू से। ठीक है, अब यहाँ से दो जम्पर हमें यहाँ लगाना है, तो यहाँ पे दूसरा वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो लाइन मिसिंग है दोस्तों वो जीपीयू और इंटर है। ठीक है, जीपीयू सीटीपी और ये हमारा इंटर इंट सीपीटी, इंटर नहीं है इंट सीपीटी है और जीपीओ सीपीटी, ये दो लाइन मिसिंग है। तो यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा हम ये टेप ताकि ये वायर खिंचाए। यहाँ पे टेप हमने कर दिया ताकि ये वायर खींच ना पाए। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो वायर है दोस्तों वो है एंट सीपीटी। ठीक है, इसमें एक दूसरा वायर लगाते हैं हम और ये सेकंड वाला जीपीओ सीपीटी है। यहाँ पे फटाफट हमें एक जम्पर लगाना है। चलिए दो बार हमने कनेक्ट कर दिया है, ये ऊपर वाला एंड सीपीटी है और दूसरा जीपीओ सीपीटी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दोस्तों इसको इधर करना है। और फिर से हमें यहाँ पे टेपिंग करना पड़ेगा। चलिए ये हमारा हो गया एंड सीपीटी और नीचे वाला हो गया ये हमारा पहले जीपीयू वाला यहाँ पे जुटेगा। चलिए इंट वाला हमने लगा दिया दोस्तों, अब हमारा जीपीयू वाला लगाना है। ठीक है, वो भी हमारा जीपीयू वाला लगेगा। चलिए ये दोनों हमने लगा दिया है। ठीक है, अब देखना है दोस्तों कि ये हमारा फ़ोन अब वर्क करता है या नहीं करता है या कहीं शॉर्ट कर गया वायर। तो अब हम इसको चेक करते हैं, फ़ोन ऑन अगर हो जाता है दोस्तों तो ये 100% वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ऑन कर रहे हैं इसको। चलिए ऑन तो हो गया, ये हमें तो नहीं लग रहा था कि ये वायर कहीं ना कहीं सट जाए या किसी में टच हो जाए।
तो ऐसा हमें लग रहा था। फ़ोन तो ऑन हो गया, अगर ऑन हो गया है तो ये टच भी हमारा वर्क कर जाएगा। चलिए एकदम बिल्कुल सही हो चुका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड हमारा लेने लगा है, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड नहीं पता कितना है, लेकिन ये हमारा काम कर गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। काफ़ी मेहनत वाला काम था दोस्तों और इसको हमने सिर्फ पूरे 1 घंटा, अगर मान लिया जाए तो 1 घंटा लगातार लगा है मुझे और ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पासवर्ड इंटर हमारा हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।